नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाली है, ठीक है। मतलब कि तुमने भी कभी ऐसी वीडियो देखी नहीं होगी और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसी वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। देखो, इस वीडियो में अपन तीन पॉइंट बात करें भाई। सबसे पहला है कि ना अपन जो टाइम टेबल है ना 18 आवर्स का, जो अपन कल करने वाले हैं, उसका टाइम टेबल तुम्हारे से शेयर कर दूंगा, ठीक है। और सेकंड पॉइंट पे ना विनर का क्या है ना, विनर पे भी थोड़ा बात करेंगे, विनर कैसे जो अभी लास्ट रिंग किया था उसका विनर का क्या क्या करना है। और थर्ड पे ना कुछ ऐसे कमेंट्स हैं, ठीक है, वो उसका भी अपन रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। कुछ हेट कमेंट्स है वो भी आज रिप्लाई कर देंगे अपन, ठीक है, क्योंकि कल वो परेशान करेंगे अपने हेटर्स। तो ये तीन सेगमेंट है अपना इस वीडियो का, तो ठीक है अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें टाइम टेबल वगैरह शेयर कर देता हूँ। सो भाई, अपना 18 घंटे का जो टाइम टेबल मैंने यहाँ पे लगाया, तो मैं इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं एक बार रफली एक्सप्लेन करता हूँ कि अपन जैसे अपन करते हैं ना 4 बजे उठ के, फिर अपना जो सेशन वन था 4:30 से 5 भी ऐसे करके करते ना, बोनस सेशन वगैरह अपन कर लेंगे। इसके बाद फिर ना यहाँ पर देखो, अपन सेशन 5-6 छोड़ देते ना, तो कल अपन सेशन 5-6 भी कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर वही अपना 4 बजे से सेशन 7 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ना उससे पहले ना अपन थोड़ा सा 1 घंटे का ब्रेक ले लेंगे यार, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा ना यहाँ से, ठीक है। फिर अपन अपना ये सेशन 5-6 हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद फिर वही 8-9-10 तक अपन जैसे रेगुलर करते थे। इसके बाद अपन ना 30 मिनट का अपन डिनर ब्रेक ले लेंगे ना। फिर अब ये जो सेशन है ना भाइयों, ये अपने को बिल्कुल थका देंगे, इसलिए मैंने इसको 50/10 रखा है, ठीक है। सो यहां तक अपने लगभग 13 घंटे हो जाएंगे। 13 घंटे के बाद अपने को ना ये 5 घंटे और इससे चलना है अपने को, क्या बोलते हैं, 50/10 पोमोडोरो से। तो तुम इसकी पूरी कैलकुलेशन बिठाओगे ना, तो यहाँ ये 1090 मिनट्स हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरे सारे कैलकुलेशन करोगे तो 1090 मिनट्स आ रहा है ना, मतलब 1090 मिनट्स का मतलब हो गया 18 घंटे। और भैया आप वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है तो भाई वो 10 मिनट और एक्स्ट्रा अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। सो ये पूरा शेड्यूल है, इसकी पीडीएफ वगैरह भी तुम्हें पूरा मैं शेयर कर दूंगा, इस जो डिस्क्रिप्शन है ना उसको चेक कर लेना, तो तुम्हें पूरा टाइम टेबल का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। मानता हूं कि देखो वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत थकान होगी भयंकर वाली ना। देखो मेन जो है ना सेशन 4 में के बाद एक सबसे ये टफ सेशन यही है, ठीक है, 180 मिनट का। ये अगर पार कर लेना भाई अपन ने, तो फिर तो हो जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर ना अपन थोड़ा दम भर देंगे, ठीक है। मेन अपन यही अटक सकते हैं सेशन 4 में, और एक बार यहां अपनी थोड़ी सी हालत खराब होगी, ठीक है, सेशन करने में, ठीक है। सो ये तुम्हें बता दिया मैं। सो भाइयों क्या है ना कि अपन सेशन 1 वगैरह देखो मैंने एक प्लानिंग की थी, सेशन 2 वगैरह अपन जैसे करते थे, ठीक है, यहाँ के बाद अपन वही सेशन 4 वगैरह से अपन करते थे। सेशन 4 के बाद ना अपन 5-6 भी अटेम्प्ट कर रहे हैं। 5-6 के बाद फिर मैं ना वो याला आउटरो लगा दूंगा नेवर गिव वाला, तो 1 घंटे तुम ब्रेक ले लेना, ठीक है। दो पार्ट में स्ट्रीम होगी ना, तो एक जो पार्ट होगा वो अपना सेशन 1 से लेकर सेशन 6 तक, ठीक है। उसके बाद फिर अपन 1 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग था ना। उसके बाद फिर सेशन 7 से लेके अपन जाएंगे पूरे 18 सेशन तक ना, यहाँ तक भाई भाई यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। ये लिखा है ना मैंने कि दिस इज एन अटेम्प्ट ऑफ स्टडिंग 18 आवर्स प्लस 10 मिनट, तो यार चीज करनी है भाई यार ने इसको, ठीक है। ये तुमसे पूरा मैंने पूरा शेयर कर दिया कैसा क्या टाइम टेबल, कैसे अपन जाएंगे, कैसे अपन 18 घंटे का क्या शेड्यूल है, ठीक है। सो भाई भाई अपन ने पूरा टाइम टेबल वगैरह बात कर लिया, ठीक है। तुम डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी उसे टाइम टेबल की, ठीक है। और देखो भाई, मैं मानता है ना थकान होगी ना, मैं मानता हूँ कि भाई यार सेशन 4 करने का कोई हालत नहीं बचेगी अपनी कुछ ना, लेकिन वही है भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड है ना यार, ठीक है। मतलब मानता हूँ कि लग जाएगी अपनी, बहुत बुरी लग जाएगी, लेकिन यार मैं फ्लो मेंटेन करते रहेंगे ना, करते रहेंगे यार, अपन ब्रेक वगैरह अच्छे से लेंगे ना, तो हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं यार, अटेम्प्ट करके देखते हैं, ठीक है। अपना 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 फोकस लेवल अपन टेस्ट करते हैं, अपन कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है ना, नेवर गिव अप। और अब सेकंड पॉइंट बात करें, सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला कि भाई विनर वगैरह जो लास्ट चैलेंज के, तो मैं अभी अनाउंस नहीं कर रहा हूँ उसको, ठीक है। ये तुम 18 आवर्स चैलेंज भी कर लो, ठीक है, क्योंकि पैसे वगैरह थोड़े खत्म हो गए ना। देखो यार, अभी एक और क्वेश्चन था ना कि ये इतना पैसा आ कहाँ से रहा, मतलब ये इतना मैं बांट कहाँ से रहा हूँ। एक्चुअली मैं बताया ना, मैं जो सा सी सेफ काउंसलिंग करता उससे जो भी मेरे को फंड्स मिले थे ना, वो पूरा मैंने इसमें लगा दिया, क्योंकि ट्रेनिंग में लगा दिया, तो कोई ऐसा सोर्स नहीं है। तुम्हें देखनी है मतलब यूट्यूब से कितनी कमाई होती, मैं तुम्हें दिखा दूँ। सो भाइयों, जो अपन एक स्ट्रीम करी थी ना, तो देखो एक स्ट्रीम के 1-2 रुपए मिलते हैं, मतलब मैं भी सोचता कि यार यूट्यूब ये भी क्यों देता है ना, तो इतनी कमाई नहीं होती यार। मतलब सोचते हो ना कि मतलब ये पूरे पैसे यूट्यूब से आ रहे हैं, नहीं यार भाइयों ना, ये मैं अपनी जेब से लगाता हूँ, ठीक है, अपनी कम्युनिटी को हैप्पी रखने के लिए यार। मैं अपने जो जूसा सी सब काउंसलिंग जितने पैसे मिले थे ना, सो वो मैं तुम्हें ही दे देता हूँ यार। सो भाइयों, एक कमेंट और था, ठीक है, अच्छा ही कमेंट था, हेट कमेंट नहीं था। उसने बोला था कि भाई अपने मार्क्स वगैरह शेयर कर, तो दिखा देता हूँ क्या दिक्कत है जो है वो दिखा देता हूँ मैं। देखो, जब मैंने पहला टेस्ट दिया था ना भाइयों, तो मेरे ऐसे 35 मार्क्स आते थे, ठीक है, ऐसे मतलब 35/100 भाई, इतने में तो बॉम्बे नहीं मिल रहा अपने को। सो वही है कि ना इम्प्रूव किया यार मैंने ना, मतलब तुम देखोगे कि इस पोमोडोरो ने, इस चैलेंज ने मेरे को ना 57 मार्क्स तक पहुंचा दिया, 57 पे ठीक ठाक आ जाती है रैंक यार ना। सो ये मैंने तुम अपना मार्क्स वगैरह शेयर कर दिया जिसने ये पूछा था, ठीक है ना। और मेरे को लाना है यार, मतलब ना 60 तक तो पहुंचना है यार, मेन एग्जाम में 60 आ जाए तो भाई मजा आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और कल का जो चैलेंज है ना, उसमें मैं वही कर रहा हूँ यार, कि मैं तुम्हें दिखा देता हूँ ना।
सो भाई वो बहुत बच्चे से पूछते थे भैया पढ़ते क्या रहते हो, तो यार देखो है ना मैंने बताया पहले भी शेयर किया था मैंने, लेकिन इस चैलेंज का भी शेयर कर देता हूँ। इस चैलेंज में ना 18 घंटे की प्लानिंग है, रफ प्लानिंग ऐसी मेरी कि ना मैं 3 मॉक दूंगा यार भाई ना। अब देखो मैंने पैसे भर दिए मेडी जी को, तो मैं सोच रहा हूँ छोड़ जाने से कोई मतलब नहीं है ना इसको, 3 मॉक दूंगा मैं तो 3 3 आके 9 घंटे इसमें हो जाएंगे मेरे। और ना बचे हुए 9 घंटे में से ना थोड़ा एनालिसिस वगैरह करूंगा और ये थोड़े से 3 चैप्टर मेरे को रिवाइज करने, तो ये करूंगा। तो मेरी 18 घंटे की प्लानिंग कुछ ऐसी है, ठीक है। अच्छा एक कोई पूछ रहा था कि ना मैं ऐसे लेक्चर वगैरह क्या देखते रहता हूँ। सो ना मैं तो बताता हूँ कि ये जो मेडीजी है ना इसने क्या किया है ना कि मतलब हर क्वेश्चन पे ना, ठीक है, अच्छा मैं इसे कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ भाई ना, मतलब कोई किसी कोचिंग को ऐसा प्रमोट नहीं करना मैं, ठीक है। सो ये ना इनके ना हर क्वेश्चन का ना ऐसे वीडियो सोल्यूशन बना कर रखा, तो मैं वही देखते रहता हूँ ना एनालिसिस के पार्ट में, ठीक है। सो ये मैंने सब कुछ सारे आंसर दे दिए लगभग लगभग, ठीक है भाई। एक छूट गया और कमेंट, एक किसी ने पूछा था कि भाई मैं रिसोर्सेज क्या यूज करता हूँ, तो उसको बता देते अपन कि देखो ना मैं एक हैंडबुक यूज करता हूँ, ये ऐसा प्रमोट नहीं कर रहा किसी को, मैं यूज जो यूज करता हूँ बता रहा हूँ कि ये मेडीजी की हैंडबुक यूज करता हूँ मैं ना। शॉर्ट नोट्स वगैरह इसमें अच्छे से दिए हैं, मतलब हर चैप्टर के ऐसे शॉर्ट नोट दिए हैं, ठीक है। और मतलब को जहाँ खाली जगह दिखती है ना कुछ लिख देता है ना, क्योंकि वो मतलब को पता है, तुम्हें पता है कि मेरे को 2 मिनट पहले अपना पोमोडोरो खत्म कर दूँ ताकि तुम लोग अच्छे से पोमोडोरो हो पाए, तो 2 मिनट बैठ के यही सब मैं रिवाइज करता हूँ। इसके बाद ना ये बता दिया, और एक तो ये अपनी बुक एक याली यूज़ करता हूँ। तो सेकेंड चीज़ पे ना ये जयश्री मैम की वेबसाइट है, तो यहाँ पर ना जो भी इनके लेक्चर वगैरह रहते हैं उस स्टार्टिंग के फेज में मैंने ये सब लेक्चर वगैरह से इनके नोट्स बनाए थे, तो एक मैंने ये रिसोर्स यूज किया था। और अभी टेस्ट के लिए ना मेड इजी की और ये मैम के जो टेस्ट होते हैं उन दो टेस्ट को मैंने सॉल्व किए थे, ठीक है। और अभी मेरे को मेड इजी के अच्छे लगे यार, क्योंकि ना इन्होंने ऐसा वीडियो सॉल्यूशन बना के दिए हैं, तो वो बढ़िया होते हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सही अच्छा लगा मेरे को मेड इजी का फीचर, ठीक है। ये मैंने अपना रिसोर्स वगैरह तुमसे शेयर कर दिया बात के लिए। अब ना थोड़े से हेट कमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ी हेटर्स की मारते हैं अपन, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ना कैसे कैसा हेट आया था। सो भाई एक हेट कमेंट है, मतलब इसलिए दिखा रहा हूँ ना कि देखो भाई कैसा क्या हेट आता है मतलब स्टडी विद मी करने पे, ठीक है, तुम भी देखोगे मतलब कैसा कैसा हेट आता है। एक हेट कमेंट है कि भाई पढ़ना है तो कैमरा बंद करके पढ़, शो ऑफ मत कर। यार भाई मैं क्या शो ऑफ कर रहा हूँ? अच्छा ये इसलिए बोल रहा होगा ना कि ऐसे बोल बोल के पढ़ता हूँ तो इसको शो ऑफ लग रहा है, तो भाई वो मेरी हैबिट है यार ना, मतलब बचपन से मैं ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो वो ठीक है थोड़ा कम करूंगा इस चीज को, लेकिन ना वो ऐसा जान के नहीं करता, वो मेरी हैबिट बन गई है, ठीक है। कि यार घर में ऐसा शोर वगैरह होता है तो ना ऐसा उनको फोकस करने में वो चीज हेल्प करती है, ठीक है, चलो उस पर काम करूंगा मैं, ठीक है। फिर दूसरा जो हेड कमेंट है वो है कि BSD के बंद कर दे ये सब वरना एग्जाम से पहले, ये तो बहुत ही यार मतलब ये क्या कमेंट था यार, मतलब भाई बहुत ही ज्यादा इतना टॉक्सिक था कि बंद कर दे ये सब वरना एग्जाम से पहले ही जान से मार देंगे। भाई जान वान से मारने की धमकी दे रहे हैं यार लोग, देखो इनको तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई देख मुझे रोक लोगे, ठीक है, मुझे मार दोगे, मुझे रोक लोगे, इन्हें कैसे रोकोगे, स्टडी वाले काम को कैसे रोकोगे, ठीक है। ये लोग तो भाई रॉकेट हैं, ठीक है, आसमान चीर के निकल जाएंगे। सो भाई देख लो भाई है ना ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं लोग। इसके बाद फिर है एक और है कि ये सब दिखावा करने से, ये ना थोड़ा ना मेरे को नहीं बोला है, मेरे को मैं तो मेरी मेरी तो मोटी चमड़ी है, ठीक है, मैं तो ऐसे कमेंट वगैरह दिखते रहते हैं, मेरे को ऐसा कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ना ये एक थोड़ा सा ये ना स्टडी वाले काम को बोला है, इसने बोला है कि ये सब दिखावा करने से कुछ नहीं होगा, तू और तेरी स्टडी का आर्मी में सब लंगड़े हो रहे हैं। तो भाई दिखा दो कल भाई है ना कि देखो इसने बोला है कि भाई देखते हैं कल लंगड़े घोड़े कैसे रेस जीतते हैं, ठीक है, तो इसको दिखा दो भाई ना। अब देखो तुम्हें लगे ना कल थकान भी हो रही है ना भाई, हो तो पूरा चैलेंज कंप्लीट करना, ठीक है। सो ये सब कमेंट वगैरह बात कर ली, में कुछ अच्छे अच्छे कमेंट भी थे कि ना एक वेदांत ने कहा था कि भैया ना ये थोड़ा सा चैलेंज एक्सटेंड कर दो, तो मैंने कर दिया, ठीक है, अभी मेरे पास भी इतने फंड्स नहीं है, तो मैंने ना ये 18 आवर्स के बाद ही मैं तुम्हें जो जो भी विनर्स होंगे ना टॉप 10, देखो उतने लोगों को अफोर्ड कर सकता हूँ मैं, तो जो भी टॉप 10 होंगे ना उनको मैं 150 रुपीज जो है 7 तारीख को पे करूंगा, 5 तारीख मेरी एग्जाम खत्म हो जाएगी, तो मैं 7 तारीख को एक बार मेल चेक करूंगा अपना, और जो भी टॉप 10 होंगे ना तुम कर देना मुझे मेल कर देना, तो मैं तुम्हें ना एक दो दिन में मतलब 7 तारीख को चालू कर दूंगा मैं पेमेंट वगैरह उस चीज का, ठीक है। सो भाई उनको एक चीज क्लियर करनी ना कि मतलब ये पर्पस क्या था स्ट्रीमिंग का मेरा, तो मैंने बताया ना मेरे को एक कम्युनिटी बनानी थी यार, साथ में पढ़ना किसको अच्छा लगता है, ठीक है, पैसा वगैरह मैंने बता दिया कितनी क्या अर्निंग होती सब कुछ बता दिया तुमको मैंने, कुछ नहीं होती इससे, ठीक है। सो ऐसा कोई पैसे कमाने के लिए नहीं आया अपने यूट्यूब पे, ठीक है, और ऐसा कोई शो ऑफ करने भी नहीं आया, कैमरा बंद भी था तब भी अपन ऐसे ही पढ़ रहे थे, कैमरा चालू भी तब भी अपन ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो ये काम के लिए नहीं आया था अपने यूट्यूब पर, अपन यूट्यूब पे कम्युनिटी बनाने आए थे, वो बन गई, बहुत अच्छी कम्युनिटी बन गई अपनी, ठीक है, एक दूसरे को अपन मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। और ये था ना कि मैं तुम्हारा कंपटीशन नहीं हुआ यार, ठीक है, ऐसा मेरे को मत देखो कि मतलब अगर, अरे मैं तो इसलिए पढ़ रहा हूँ भाई, मैं सबसे बड़ा मेरे मोटिवेशन बताता हूँ कि ना मेरी स्ट्रीमिंग से बच्चे IIT तक पहुंच गए हैं, तुम बताया ना अनुराग अनुराधा, फिर एक NDA लड़की पहुंची थी ख्याति करके, सो ना अब थोड़ा सा मेरे पे से रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, मेरे को अपना सिलेक्शन लेना है, नहीं तो भाई तुम लोगों को क्या ही मुंह दिखाएंगे कि भैया यार अब इतनी स्ट्रीमिंग करते आपके सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। सो ऐसा मेरे से मत ऐसा इरिटेट हुआ करो ना। और मैंने बात करी थी कि मैं तुम्हारा कोई कॉम्पिटिशन नहीं हूँ, मेरी स्ट्रीम पे कौन आते हैं, मेनली अपने JEE NDA GATE और
कहते हैं नीट के स्टूडेंट आते हैं, तो यार उनको तो ये बोलूंगा जो जेई एनडी और नीट के जो स्टूडेंट है यार तुम्हारे तो एग्जाम ही अलग है, तुम तो उसमें पढ़ना ठीक है, तुम्हें तुम्हारा कैसे कॉम्पिटिशन हुआ। और बड़ी बात जो गेट के स्टूडेंट है यार भाईयो 90 सीटें आई आई टी बॉम्बे में ठीक है, तो उसकी लोड मत लो यार ना, अपने को तो एक ही चीज सीट चाहिए ना, तो 90 सीटें आई आई टी बॉम्बे में तो भाई अपन सबके सब वहां पहुंच जाएंगे, तो मैं तुम्हारे कैसे कॉम्पिटिशन नहीं हुआ ठीक है। अपना है ना ये स्ट्रीमिंग का पर्पस, मैं पहले भी उन्हें बताया ना कि सबका साथ सबका विकास है, कि सबको साथ में लेके चलना अपने को, ऐसा नहीं कि अकेले अकेले अपने को सिलेक्शन लेना है ठीक है। सो ये मैंने तुमको क्लियर कर दिया। अब हेटर को क्या समझा, तुमने देखा क्या कितने कैसे कैसे हेट आता है ठीक है। सो मेरी तो मोटी चमड़ी है, मेरे को तो ऐसा कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ठीक है ना भाई। कल अपन करेंगे, कल भी ऐसा हेट बहुत ज्यादा आएगा ठीक है, तो मैंने पहले से ही क्लियर कर दिया वीडियो में ठीक है कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए भाई तुम्हें ना। सो ये अपने पूरी बात कर ली ठीक है भाई। अब कल मिलते हैं, देखो तुमने देखा ना कैसा कैसा हेट आता है अपनी स्टडी फार्मी पे। तो भाइयों कह यार प्रूव करना है अपने आपको ठीक है, अपने दिखाना है लोगों को भाई अपन क्या कर सकते हैं ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है भाई ठीक है। सो जितनी भी तुम्हें थकान वगैरह हो ठीक है, वो सब टेम्परेरी चीजें हैं ना, एक बार ये बटन रिकॉर्ड तोड़ देंगे अपन तो भाई सब चुप हो जाएंगे ठीक है। सो एंड करते वीडियो को और अपन कल सुबह 4:30 बजे मिलेंगे, लेट्स स्टडी। もう少し頑張ってみろよ。ダメダメダメダメ、諦めたら。周りのこと思えよ。応援してる人たちのこと思ってみろって。あともうちょっとのところなんだから。俺だってこのマイナス10度のところ、しじみが取れるって頑張ってんだよ。絶対やってみろ。必ず目標達成できる。だからこそ、ネバギブアップ。